इस तरह आप डिब्बे के अंदर अगर जूते रखते हैं तो आप स्पेस तो अरेंज कर सकते हैं, दूसरा आपके एक जूते से दूसरे जूते में धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा तो जूते साफ़ सुथरे भी रहेंगे। देखिए ये जो जूते के स्टैंड में मैं ये चौकोस के पैकेट आते हैं बच्चे खाते हैं उसी से ही मैं सारे जूते को अरेंज की हूँ। इस तरह जो भी जूते के साइज़ के पैकेट आते हैं उसके साथ ही आप जूते को अरेंज कीजिए, वो भी जीरो कॉस्ट में। देखिए यहाँ पर मैं वही चौकोस के डिब्बे को फ्रीज में भी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, सारे दाल और पल्सेस को। यहाँ पर अभी भी और भी बहुत सारे जगह है। फ्रीज के ये सेक्शन में हाइट कम होता है तो ज़्यादा हम चीज़ें स्टोर करके नहीं रख सकते। इस तरह अगर आप चौकोस के डिब्बे रखेंगे या फिर कोई भी डिब्बा हो तो इसमें आप सारा सामान भर के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं रखी हूँ इस तरह कुछ, इस सारे राशन है मेरा यहाँ पर। ये डिब्बे भी फ्रीज को ऑर्गेनाइज करके रखने में ये बहुत हेल्प करता है, वो भी जीरो कॉस्ट में। देखिए यहाँ पर भी मैं ये वही चौकोस के डिब्बे पर कुछ ये सिपर और कप्स ये सारा ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ, और जो छोटे छोटे ट्रे होते हैं उसको भी मैं यहाँ पर रखी हूँ। तो आप इस तरह इसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, वो भी जीरो कॉस्ट में। हाँ दोस्तों, और एक बार, मैं उड़िया हूँ, मुझे ठीक से हिंदी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर कोई भूल चुक बोल भी दे रही हूँ तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी भी बोलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का आपके घर में कोई भी अगर डिब्बा पड़ा हो तो उसको आप प्रिंटेड पेपर आते हैं मार्केट में उसी में ही रैप कर लीजिए और अपना ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। आज का इस जुगाड़ वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।